हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर पर पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली पिज्जा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बिना ईस्ट के पिज्जा बनाएंगे और ना ही बेक करने के लिए ओवन का इस्तेमाल करेंगे। आज हम तवा में पिज्जा बनाएंगे जो बिल्कुल बाजार की तरह बनकर तैयार होती है। बाजार जैसी सॉफ्ट और चीजी पिज्जा आप घर पर बना सकते हैं बहुत कम मेहनत में और बिना झंझट के। तो चलिए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। बिना ईस्ट का पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक बड़ा बर्तन लेंगे, पिज्जा का बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब सूजी डालेंगे। आप यहाँ कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटा या पतला। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक डाला है। साथ में 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे। पिज्जा का बेस में हल्का सा मिठास होता है, उसके लिए हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे। 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर इसमें दोनों डालना ज़रूरी होता है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिला लेते हैं। मैंने यह सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसका हम डो बनाकर तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ मैंने 1/2 कप दही लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप यहाँ बटर या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे हम दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही से ही हम डो तैयार करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ज़रूरत पड़े तो और 1-2 चम्मच दही डाल दूंगी। दही डालने से पिज्जा का जो बेस होता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अब हम इन सारे चीज़ों को मिलाते हुए बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा दही और डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। डो को लगाने में मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। अब इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा परमेंट हो जाए। 1 घंटे बाद ये थोड़ा सा परमेंट हो गया है। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह मिला लेते हैं। यदि आप इसे 1 घंटे के लिए परमेंट के लिए रख देते हैं ना, तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह बनता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ईस्ट नहीं डला हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट पिज्जा बेस बनेगा। अब हम आटा से लोई निकाल लेंगे। आपको जितना बड़ा पिज्जा बेस बनाना है उस हिसाब से लोई बड़ा या छोटा निकालें। यहाँ मैंने 2 से मीडियम साइज के बॉल निकाल लिए हैं। अब हम 1 बॉल लेंगे और इसे अंदर साइड से फोल्ड करते हुए रोल करेंगे। इसी तरह हम सारे लोई को अंदर से फोल्ड करते हुए इसका बॉल तैयार कर लेंगे। इसे हम 1 प्लेट में रखते जाएंगे ताकि बेलने समय हमें आसानी हो। अब चलिए इसे बेल लेते हैं। बेलने से पहले थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इससे क्या होगा, पिज्जा बेलते समय चिपकेगा नहीं। अब हम 1 लोई को लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। बेलते समय में ये ध्यान रखना है ये ज़्यादा पतला ना हो। बड़ा छोटा आप अपने पसंद से कर सकते हैं। इसे बेलने के बाद हम 1 कटोरी इसके ऊपर रखेंगे और इसके साइड के चारों तरफ जो आटा है वो निकाल देंगे। इससे हमारा पिज्जा 1 साइज का बनेगा और देखने में सुंदर लगेगा। अब हम फोक से इस रोटी में छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। पिज्जा बेस जो है वो फूलना नहीं चाहिए। आज हम पिज्जा तवा पर बना रहे हैं। तवा को मैंने गैस पर रखा है। उसमें हम 2-4 बूंद तेल डालकर उसे कपड़ा से पोंछ देंगे। हम तवा में पिज्जा बेस को डालेंगे। इसे हम ढक कर 2 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम 1 और पिज्जा बेस बेल कर तैयार कर लेते हैं। 1 लोई लेंगे, इसे हाथों से थोड़ा फैला लेते हैं, फिर इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसके ऊपर कटोरी रखकर काट लेंगे और साइड के आटा को हटा देंगे। इसे भी हम फोक की सहायता से छेद कर लेंगे। इधर पिज्जा को बेक होते हुए 2 मिनट हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे और फिर से ढक कर 2 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा 1 पिज्जा बेस बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भी पिज्जा बेस तैयार कर लेंगे। इसे भी हम तवा में डालकर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद इसे पलट कर फिर से 2 मिनट और पकाएंगे।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारा पिज्जा बेस बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम सब्जियों की टॉपिंग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। पिज्जा सॉस आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं या फिर रेडीमेड भी ले सकते हैं। आप चाहे तो शेजवान सॉस और टोमेटो केचप को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। मैंने यह अमूल का मोजरेला चीज़ लिया है क्योंकि ये बहुत इजीली सबको मिल जाती है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर हम सब्जियाँ डालेंगे। मैंने यह शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को ले लिया है। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं आप ले सकते हैं। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को इस तरह से सजा लेंगे। मैंने यह शिमला मिर्च को पतला पतला काटा है। आप चाहे तो क्यूब में भी कट कर सकते हैं। आप चाहे तो पीली वाली या लाल वाली शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, कॉर्न भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल टॉपिंग करने वाली हूँ। अब हम प्याज और टमाटर को भी इस तरह से सजा लेंगे। आप पिज्जा को अपने पसंद से किसी भी तरह सजा सकते हैं। पिज्जा को मैंने अच्छी तरह सजा लिया है। अब इसके ऊपर से हम और चीज़ डालेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत सारा चीज़ वाला पिज्ज़ा चाहिए होता है। इसके ऊपर थोड़ा चिली फ्लेक्स और थोड़ा ऑरिगेनो डालेंगे। इससे पिज्ज़ा बिल्कुल मार्केट की तरह स्वादिष्ट बनता है। पिज्ज़ा बेक करने के लिए तैयार है। बेक करने के लिए तवा में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसके ऊपर हम पिज्ज़ा को रखेंगे। अब इसे ढक के लो फ्लेम में तब तक बेक करेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। 4 से 5 मिनट में पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट की तरह। इसी तरह मैं अपने सारे पिज़्ज़ा को तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा दूसरा पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो नाइफ से या पिज्जा कटर से कट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो आपने देखा ना, मार्केट के जैसा पिज्जा घर पर बहुत आसानी से बन गया। इसके लिए हमें न ईस्ट की ज़रूरत है न ओवन की ज़रूरत है। हम पिज्जा तवा में या कढ़ाई में आसानी से बना सकते हैं। आप ये घर पर बनाएंगे तो बाहर का पिज्जा भूल जाएंगे। तो इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।